नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के 230 प्लस 2 स्कूलों में जल्द होगी लैब असिस्टेंट की नियुक्ति, क्रामिक विभाग को भेजा गया प्रस्ताव। झारखंड के 230 प्लस 2 स्कूलों में 690 प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसे लेकर प्रक्रिया पूरी कर ली है। आरक्षण रोस्टर क्लियर भी कर लिया गया है। विभाग ने नियुक्ति का प्रस्ताव क्रामिक को भेज दिया है। नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा अब लेगा। आप सबको बता दूं कि क्रामिक विभाग की ओर से नियुक्ति की अधिसूचना आयोग को भेजी जाएगी। राज्य में वर्तमान में 635 प्लस 2 स्कूल हैं, इनमें से 510 में पढ़ाई हो रही है, जबकि 125 स्कूलों में इस वर्ष नामांकन लिया जाएगा। 635 स्कूलों में से 230 में ही प्रयोगशाला सहायक के पद सृजित हैं। इनमें 59 विद्यालय एकीकृत बिहार के समय के हैं, जबकि झारखंड गठन के बाद 171 हाई स्कूलों को प्लस 2 में अपग्रेड किया गया है। 280 विद्यालय में केवल शिक्षक का पद सृजित है, जबकि 125 स्कूलों में अब तक किसी प्रकार का पद सृजन नहीं हुआ है। खबर है झारखंड के दुमका से। नगर पंचायत में आवास के 615 लाभुकों का होगा इकरारनामा। दुमका के वासुकीनाथ नगर पंचायत क्षेत्र के प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों के लिए 21 अप्रैल से 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी आशुतोष ओझा ने बताया कि क्षेत्र के प्रत्येक जरूरतमंद व बेघर को आवास मुहैया कराने की योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन को लेकर 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना घटक 4 के तहत होने वाले शिविर में 615 पीएम आवास के नए लाभुकों के साथ इकरारनामा किया जाएगा। आशुतोष ने कहा कि सभी लाभुकों का चयन वित्त वर्ष 2021-22 में किया गया है। आप सबको बता दूं कि लाभुकों के साथ इकरारनामा के लिए ही इसका आयोजन होगा। संबंधित लाभुकों को निर्धारित समय में शिविर में पहुंचकर एग्रीमेंट कराने के लिए भी सूचना प्रेषित कर दी गई है। खबर है झारखंड के जामताड़ा से। जेल में कैदियों को दी गई कानून की जानकारी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को यानी कि 17 अप्रैल को मंडल कारा परिसर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्राधिकार के सचिव अभिनव ने विचाराधीन कैदियों को कानून की जानकारी दी तथा कैदियों से जेल में मिल रही सुविधाओं की जानकारी भी ली। उन्होंने कैदियों को प्ली बार्गेनिंग की भी जानकारी दी। आप सबको बता दूं कि प्ली बार्गेनिंग में कैदियों की सजा कम कर दी जाती है। इसका लाभ छोटे छोटे अदालती मामले में उठाया जा सकता है। प्ली बार्गेनिंग एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत अपराधी कोर्ट के समक्ष अपनी मर्जी से गुनाह स्वीकार करता है, फिर कोर्ट अपराधी की सजा को कम कर देती है। प्ली बार्गेनिंग का फायदा कैदी सिर्फ एक बार ही उठा सकते हैं। खबर है झारखंड के साहिबगंज से। दुर्गा रूपा तिर्की की जांच में नया मोड़। पिता की ब्रेन मैपिंग कराना चाहती है सीबीआई, पत्र लिखकर मांगी है अनुमति। झारखंड के साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी दरोगा रूपा तिर्की की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले की जांच में नया मोड़ आ गया है। सीबीआई ने इस केस में रूपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव की ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट कराना चाहती है। मामले की जांच कर रही सीबीआई की पटना शाखा से गत 11 अप्रैल को देवानंद को पत्र लिखकर जांच में सहयोग करने का आग्रह किया है। ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट के लिए सहमति देने की अपील की है। आप सबको बता दूं कि कांड के अनुसंधानकर्ता सीबीआई की पटना शाखा के अधिकारी गौतम कुमार अंशु ने देवानंद उरांव को लिखे पत्र में कहा है कि इस केस में वैज्ञानिक परीक्षण की आवश्यकता है। इसमें उनकी ब्रेन मैपिंग और नार्को जांच की जरूरत पड़ेगी। अनुसंधानकर्ता ने यह अनुरोध किया है कि वह सहमति देंगे। इसी के अनुसार जाँच की तिथि निर्धारित होगी। यह भी बताया गया है कि यह जाँच बेहतर अनुसंधान का हिस्सा होगा। आप सबको बता दूं कि 3 मई 2021 को साहिबगंज में महिला दुर्गा रूपा तिर्की का शव उनके सरकारी आवास में लटका हुआ मिला था। इसमें पहले यूडी केस दर्ज हुआ था, बाद में यह केस दुर्गा शिव कुमार कनुजा के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में हुआ था। केस दर्ज होने के बाद से ही आरोपित दुर्गा शिव कुमार कनुजा जेल में बंद है। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में 5 दिनों के लिए अलर्ट है जारी। मौसम केंद्र के मुताबिक सोमवार यानी 18 अप्रैल को गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा और गिरिडीह जिले में कहीं कहीं लू चलने की संभावना है। मंगलवार यानी 19 अप्रैल को भी इन जिलों में यही स्थिति बनी रहेगी। मौसम केंद्र के मुताबिक 19 से 21 अप्रैल तक राज्य के पूर्वी और निकटवर्ती भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्ज की गर्जन के साथ वज्रपात होने की आशंका है। इसका असर गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसवां में देखने को मिलेगा।
मौसम केंद्र के मुताबिक अगले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद धीरे धीरे तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। सोमवार को मौसम शुष्क रहेगा और आंशिक बादल छाए रहेंगे। पलक झपकते ही रेल यात्रियों का सामान गायब करने वाला गिरोह का हुआ खुलासा। ट्रेन में यात्रियों का सामान उड़ाने वाले इंटर स्टेट गिरोह का खुलासा हुआ है। आरपीएफ कोडरमा और हजारीबाग रोड की टीम ने संयुक्त रूप से छापामारी कर इस गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी का आभूषण, लैपटॉप समेत अन्य सामान बरामद हुआ है। गिरोह के सदस्य प्लग झपकते ही यात्रियों का सामान उड़ाने में माहिर थी। आरपीएफ ने इन्हें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध अवस्था में देखा और शहर के एक होटल में छापामारी कर पकड़ने में सफलता हासिल की। गिरोह के सदस्य बिहार के सासाराम, झारखंड के रांची और बोकारो के अलावा मध्य प्रदेश के भोपाल समेत अन्य जगहों पर वारदात को अंजाम देते थे। खबर है झारखंड के चाईबासा से। जीपीएस से लैस ई स्कूटी से चाईबासा के दुर्गम इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा रही है एनएम दीदी। स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने में राज्य की एनएम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम के सुदूरवर्ती दुर्गम क्षेत्रों में स्थित गांवों तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में ई स्कूटी सहायक बन रहा है। मालूम हो कि चाईबासा के इस भूभाग में पहाड़ों के उतार चढ़ाव के साथ जंगल की पगडंडियों के सहारे गाँव तक पहुँचा जाता है। इस दौरान कम विकसित जिलों को केंद्र सरकार द्वारा आकांक्षी जिले के रूप में मान्यता दिया गया है। जिले में ऐसे कई क्षेत्र हैं जिन्हें कठिन पहाड़ी इलाकों के कारण दुर्गम क्षेत्र माना जाता है तथा स्वास्थ्य कर्मियों को कुछ ऐसी ही जगहों पर जाना पड़ता है जहां पहुंचने का एकमात्र विकल्प पैदल चलना है। वर्तमान में चाईबासा के दूरस्थ 342 स्वास्थ्य उपकेंद्रों में इसी समस्या का समाधान के लिए 180 ई स्कूटी के जरिए किया जा रहा है। खबर है झारखंड के खुट्टी से। झारखंड के खुट्टी में करीब 5 लाख रुपए का डोडा बरामद, बाहर भेजने की फिराक में थे तस्कर, एक गिरफ्तार। खुट्टी जिले में अफीम के कारोबारी न सिर्फ खेती कर अफीम और डोडे की तस्करी कर रहा है बल्कि अब वे डोडे की प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं। इसका खुलासा मुरहू थाना क्षेत्र के हेटगावा से हुआ है। पुलिस ने हेटगावा के सलगा डेटोला के पास जंगल में 6 बोरे में 1140 किलोग्राम डोडा के साथ डोडा पिसने की 2 मशीन सहित 1 जनरेटर सेट, इलेक्ट्रॉनिक तराजू, 1 बाइक, 1 मोबाइल और 1 बंडल बिजली का तार बरामद किया है। वहीं मौके पर से पुलिस ने 1 आरोपी हेटगावा निवासी जगनपूर्ति को गिरफ्तार किया है। झारखंड में इंटरनेट मीडिया के बिग बॉस हैं हेमंत सोरेन। भाजपा कांग्रेस के कई दिग्गज नेता लोकप्रियता में पीछे। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को पछाड़कर झारखंड की सत्ता पर काबिज हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की लोकप्रियता का डंका इंटरनेट पर बज रहा है। कोई नेता इनसे मुकाबले में आगे नहीं है। ट्विटर पर 17 अप्रैल 2022 तक के रिकॉर्ड के अनुसार सबसे अधिक 895,000 फॉलोअर्स मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हैं। यह उनकी लोकप्रियता का पैमाना है। स्वास्थ्य मंत्री सह आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता के 143,000 फॉलोअर्स हैं। वहीं शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के 112,000 फॉलोअर्स हैं। इसके बाद झामुमो विधायक सीता सोरेन के नंबर आता है, उनके करीब 98,200 फॉलोअर्स हैं, जबकि अन्य मंत्रियों के फॉलोअर्स विधायक सीता सोरेन से भी कम है। खबर है झारखंड के लोहरदगा से। लोहरदगा में भाकपा माओवादी का हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार, 8 वर्षों से था फरार। पेसरार थाना पुलिस ने छापामारी कर घर से किया गिरफ्तार। लोहरदगा जिले के पेसरार थाना पुलिस ने भाकपा माओवादी के हार्डकोर नक्सली देवदीप खिरवार को गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया। एसडीपीओ बीएनसी ने हार्डकोर नक्सली देवदीप खिरवार को मीडिया के सामने प्रस्तुत कर बताया कि वह माओवादी जोनल कमांडर नकुल यादव का दस्ता सदस्य था। किसको थाना क्षेत्र के पुतरार गांव में वर्ष 2014 की जुलाई महीना में बंधन उराव को गोली मारकर हत्या के मामले में देवदीप खिरवार फरार चल रहा था। हत्या के मामले में नकुल यादव भी नामजद आरोपी था। पुलिस की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर नकुल सरेंडर कर दिया। वहीं देवदीप खिरवार फरार चल रहा था। इस मामले में 8 वर्ष से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। इससे पहले आप सबको बता दूं कि न्यायालय के आदेश पर नक्सली के घर की कुर्की जब्ती की गई थी। आप सबको बता दूं कि रविवार को उसे मंडल कारा लोहरदगा भेज दिया। एसडीपीओ ने बताया कि किसको थाना में देवदीप खिरवार के खिलाफ भादवी की धारा 147, 148, 149, 302, 201 और 17 CLA एक्ट के तहत कांड संख्या 50/14 में प्राथमिकी दर्ज है। खबर है झारखंड के रामगढ़ से। 3 छात्रों ने बनाया रामगढ़ टूरिज्म वेबसाइट, एक क्लिक से जिले के पर्यटन स्थलों को मिलेगी पूरी जानकारी।
रामगढ़ जिला अंतर्गत चित्तरपुर प्रखंड क्षेत्र के मरांग मर्चा स्थित एपेक्स पब्लिक स्कूल के 3 छात्रों ने रामगढ़ टूरिज्म वेबसाइट बनाया है। इस वेबसाइट के सहारे अब पर्यटकों को रामगढ़ जिले के विभिन्न पर्यटन स्थलों की जानकारी एक क्लिक में एक ही जगह मिल जाएगी। एपेक्स पब्लिक स्कूल में वेबसाइट लॉन्च कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि चित्तरपुर उत्तरी क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य गोपाल चौधरी शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान विद्यालय की छात्रा रानी कुमारी, छात्र मीर हसन एवं जिसान रज्जा ने प्रोजेक्टर में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से रामगढ़ टूरिज्म वेबसाइट की संपूर्ण जानकारी दी। जानकारी के अनुसार कक्षा 6 एवं 7 के छात्र विनय कुमार महतो, हिमांशु कुमार महतो एवं मनीष कुमार ने यह वेबसाइट बनाया है। इस कार्य में छात्रों को विद्यालय के उप निदेशक अरविंद कुमार का मार्गदर्शन मिला है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।